नमस्कार। विषय कोड EE208 विषय माइक्रोप्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग यूनिट 2 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर इंटर 8085 सब यूनिट 2.2 पिन आउट डायग्राम विद डिस्क्रिप्शन। तो आज हम इस पिन आउट डायग्राम का अध्ययन करेंगे। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज अवेलेबल एज ए 14-पिन आईसी। 8085 इंटेल का माइक्रोप्रोसेसर है, वो 40-पिन के आईसी के रूप में अवेलेबल होता है। ये DIP पैकेज में होता है, यानी कि 20-पिन एक साइड में, 20-पिन दूसरी लाइन में। डिफरेंट सिग्नल्स करस्पॉन्ड टू डिफरेंट पिंस। अलग अलग पिंस के करस्पॉन्डिंग अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। ऑल द सिग्नल्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू 6 ग्रुप। जो सारे सिग्नल्स हैं माइक्रोप्रोसेसर के, उनको हम इन 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एड्रेस बस पहला, दूसरा डेटा बस, तीसरा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। तो ये जो एड्रेस बस है, ये 16 बिट्स की होती है, यानी 16 लाइन्स होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, लोअर एड्रेस बस और हायर एड्रेस बस। जो लोअर एड्रेस बस होती है, वो डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स होती है, यानी कि सेम लाइन जो एड्रेस के लिए काम में आ रही है 8, वही सेम 8 लाइन्स बाद में लेटर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल डेटा को लाने ले जाने के लिए भी काम में आती हैं। तो ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑफ द डेटा बस होती है, जो लोअर 8 बसेज हैं, और हायर जो 8 बस हैं वो प्योरली एड्रेस बस होती हैं। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, वेरियस कंट्रोल सिग्नल जैसे रीड राइट, इनपुट आउटपुट, ऑब्लिक मेमोरी आदि सिग्नल्स इसके अंतर्गत आते हैं। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, माइक्रोप्रोसेसर 8085 प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है, और 3 MHz फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, जो इंटरनली जनरेट होती है क्रिस्टल के द्वारा, जो इसके इंटरनली कनेक्टेड होता है। 5वां जो ग्रुप है सिग्नल्स का, वो इंटरप्ट एंड पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। जो कुछ भी रनिंग में आपका चल रहा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको रोककर आप किसी अन्य जगह उसको निर्देशित करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरप्ट सिग्नल्स काम में आते हैं। और पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स, जो कि हम बाहर से माइक्रोप्रोसेसर को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी में वो सिग्नल्स आते हैं, जिसका भी हम पिन डायग्राम में देखेंगे। सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जो लास्ट 6 ग्रुप के सिग्नल्स हैं, वो जब डेटा माइक्रोप्रोसेसर को सीरियली इनपुट करना है या सीरियली आउटपुट करना है, तो सीरियल पोर्ट्स काम में आते हैं। जब पिन डायग्राम जो है वो अब देखते हैं। ये माइक्रोप्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम है। इसमें टोटल 40 पिन है, 20 पिन एक तरफ हैं और 20 पिन एक तरफ हैं। नंबरिंग इनकी यहाँ नॉर्मली जब आप चिप देखेंगे तो उस पर एक कट लगा रहता है या एक डॉट लगा रहता है, तो उसके इधर से आपका 1, 2, 3, 4 नंबरिंग शुरू होती है 20 तक, फिर 21 से लेकर 40 तक इस तरफ है। तो हम इसको क्लोज व्यू देखते हैं। शुरू में स्टार्टिंग पहला और जो दूसरा पिन है उस पर X1 X2, यानी कि इंटरनली ये क्रिस्टल से कनेक्टेड है, जो माइक्रोप्रोसेसर की इंटरनल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वो बाद में 2 से डिवाइड होकर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी देता है। नेक्स्ट जो है रिसेट आउट, जो माइक्रोप्रोसेसर को हम रिसेट इनपुट देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलता है वो रिसेट आउटपुट है, इसे हम अन्य जगह काम में ले सकते हैं। चौथा और पांचवा नंबर की जो पिन है, 5वें नंबर की, वो सीरियली डेटा के लिए काम में आती है, SOD सीरियल आउटपुट डेटा, और यह है SID यानी सीरियल इनपुट डेटा। तो जो डेटा कम्युनिकेशन माइक्रोप्रोसेसर के साथ सीरियली करना होता है, तो ये 2 पिन काम में आती है, इनपुट के लिए SID, आउटपुट के लिए SOD। ट्रैप, 6 नंबर पे ट्रैप है, जो कि एक इंटरप्ट है। इसी तरह 7 पे RST 7.5, 8 पे RST 6.5, 9 पर RST 5.5 और 10 पे इंटरप्ट। ये सभी इंटरप्ट सिग्नल्स हैं, जो कि प्रोग्राम करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोकता है और डायरेक्टेड प्रोग्राम्स पे माइक्रोप्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को ले जाता है। तो ये 5 जो इंटरप्ट हैं, इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है इनकी अलग अलग, यानी एट ए टाइम अगर 2 इंटरप्ट आ जाता है तो माइक्रोप्रोसेसर किसको एक्सेप्ट करेगा, तो ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है जो 6 नंबर पे है। इसके बाद RST 7.5 की है, लाइकवाइज 6.5 की, 5.5 की, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट की है। तो इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलता है 11 नंबर पिन पर, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि आपकी इंटरप्ट एक्सेप्ट हो गई है।
इसके बाद के जो पिन हैं 12 से लेकर 19 तक, ये AD0 से लेकर AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7, ये जो 8 पिन हैं ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस के लिए काम में आते हैं, यानी कि ये इनिशियली 8 पिन एड्रेस लोअर एड्रेस बसेस के लिए काम में आते हैं और लेटर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये डेटा को लाने ले जाने का काम करते हैं। VSS ग्राउंड पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 20 पिन है जो इसके एक साइड में है IC के, और दूसरे 20 पिन जो इधर हैं उनका डिटेल इस तरह है। ये 21 से लेकर आप देखेंगे यहाँ 21 से लेकर 28 तक, ये जो 8 पिन हैं ये इस पे A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 यानी कि 8 जो ये है हायर ऑर्डर एड्रेस बस उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स यहाँ है, वो जो एड्रेस है हायर ऑर्डर वो इन पिन पे दिया जाता है। लोअर एड्रेस तो इन पे था और ये हायर एड्रेस इन वाली बसेज पे 21 से 28 तक। ये केवल एड्रेस के काम में आता है, ये एड्रेस और डेटा दोनों के लिए पिन काम में आते हैं। इसके बाद वाला ये स्टेटस सिग्नल से S0 ALE एड्रेस लैच इनेबल राइट WR, इसके ऊपर बार लगा रखी है, जो जिन सिग्नल्स पे बार लगी है वो लो एक्टिव है, यानी कि इस पिन पे जब सिग्नल लो होगा तब वो वर्क करेगा और हाई है तब नहीं करेगा। इसी तरह राइट रीड अगेन S1 स्टेटस सिग्नल है, इनपुट आउटपुट और बंद हुई ये भी एक स्टेटस सिग्नल्स हैं। तो ऑपरेशन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है मेमोरी से, तो अगर वो लो है तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, हाई है तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड है, रीड है या राइट है यहाँ से मालूम चल जाता है। ये स्टेटस सिग्नल S0 S1 मेमोरी और इसके साथ मिलकर विभिन्न सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको मेमोरी रीड करनी है, मेमोरी राइट करनी है, इनपुट रीड करनी है या इनपुट राइट करना है। इसी तरह एक सिग्नल होता है रेडी, ये रेडी सिग्नल स्लोअर पेरिफेरल को माइक्रोप्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करने के काम में आता है। जब हम रिसेट करना चाहते हैं वहाँ पर इनिशियल पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, तो ये रिसेट इन सिग्नल जो कि एक्टिव लो है देना पड़ता है। इसी तरह 37 नंबर पिन पर आपके क्लॉक जो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ जनरेट हो रही है वो हमें आउटपुट के रूप में भी वापस मिलती है, जैसे हम फर्दर अन्य जगह काम में ले सकते हैं। इसके बाद एक सिग्नल है HLDA होल्ड एक्नोलेजमेंट, और एक है होल्ड, तो माइक्रोप्रोसेसर को अगर आप इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, तो हम होल्ड सिग्नल देकर माइक्रोप्रोसेसर को निर्देशित कर सकते हैं कि वो अपना बस कंट्रोल छोड़ दे और डायरेक्ट आप इनपुट आउटपुट और मेमोरी में लिंक हो जाए, तो ताकि हम फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है इनपुट आउटपुट से मेमोरी को, तो उस समय ये काम में आता है। जब आप होल्ड देते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट 21 नंबर पिन पे मिलता है। और लास्ट पिन जो है 40 पिन वो पावर सप्लाई है VCC। तो इस तरह ये टोटल 40 पिन का डिस्क्रिप्शन है जो आज हमने अध्ययन किया है। थैंक्स।